देखो बच्चों आज जो हम एक्सरसाइज नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.3 करेंगे, नंबर सिस्टम के एक्सरसाइज 1.3 करेंगे, ठीक है। इसमें क्या है बच्चों, इसमें देखो क्लास 9th है और चैप्टर 1 है। आपको हिंदी मीडियम वाले बच्चों से मेरी विनती है कि प्लीज आप लोग क्या करें, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक उठाएं और वहां से बेटा हिंदी में इसको रीड करें। देखो बेटा बहुत इजी क्वेश्चन है ये, ये कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग इन अ डेसिमल फॉर्म एंड से दैट व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। बेटा मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको कुछ चीजें बताई थी वहां पर, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग नंबर, ठीक है, रिपीटिंग नंबर, ये चीजें बताई थी। तो आप अगर इंट्रोडक्शन वीडियो देखेंगे तो आपको ये यहाँ पर अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कुछ। चलो देखते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा 36/100। जब हम अगर बेटा इसको रिप्रेजेंट करेंगे नंबर पॉइंट में तो क्या होगा बेटा, सिंपल सा लॉजिक है, जितने जीरो होते हैं उतने ही पॉइंट हमारे यहाँ पर लग जाएंगे। ये तो आपको सबको बचपन से पता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका 0.36 आ जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग नंबर बेटा, टर्मिनेटिंग नंबर्स, एंड इसे हम क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग नंबर कहेंगे। और क्या कहेंगे बच्चों, और हम इसे कहेंगे नॉन रिपीटिंग नंबर्स, ठीक है, नॉन रिपीटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग नंबर कहेंगे और नॉन रिपीटिंग नंबर कहेंगे। यहां तक कोई डाउट बच्चों, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत कैसे होगा। चलो अब देखो बच्चों, मैंने यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, तो ये हमारा साफ साफ दिख रहा है कि नहीं ये रिपीट कर रहा है और ये टर्मिनेट हो गया है। अब तो आगे नहीं वैल्यू जा रही ना, इसलिए हम इसे नॉन रिपीटिंग कहेंगे और टर्मिनेटिंग नंबर कहेंगे। हिंदी में इसे बोलते हैं बेटा सान, और रिपीटिंग को मतलब बार बार जो आता रहता है, ठीक है। अच्छा अब देखो 1/11 लिखा है मैंने बच्चों, ठीक है। तो 1/11 का बेटा मैंने डिवाइड करके दिखा दिया है, बाकी आप देखो बेटा मेरे ख्याल से डिवीजन तो आप लोग आराम से कर सकते हैं, इसलिए मैंने उसको करा नहीं है, ठीक है, यहाँ पर, क्योंकि देखो बेटा वीडियो में टाइम वेस्ट करने से कुछ फायदा नहीं है, ठीक है। तो आप जो है आराम से मेरे ख्याल से डिवीजन कर सकते हैं, मैंने डायरेक्ट डिवीजन करके लिख दिया पहली बार, ठीक है। तो देखो बच्चों, जब मैंने 11 से इसको डिवाइड किया तो देखो नहीं हमारा पहले पॉइंट लगेगा और एक जीरो आएगा, ये 10 होगा, फिर अगर वो कटेगा नहीं तो एक जीरो और बढ़ाएंगे, फिर उसके बाद 11 9 99, फिर सेम अगेन ऐसे चलता रहेगा वैल्यू और ऐसे ही रिपीट करते रहेंगे। तो बेटा इसका क्या हो जाएगी वैल्यू, अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0.09 09 और 09, इस तरीके से चलता रहेगा वैल्यू, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे बच्चों, इसको हम लिखेंगे 0.09 पे बार। तो ये हमारा कौन सा नंबर हो जाएगा बच्चों, ये हमारा नंबर हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, और ये कौन सा नंबर हो जाएगा, रिपीटिंग नंबर, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा बच्चा, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर्स हो जाएगा, ठीक है। इसको हम बोलेंगे, देखो ये हमारा क्या है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका है, ठीक है बच्चों, को समझ में आ गया। देखो बार बार आ रहा है ना ये 09 09 09, तो हम इसको जब बेटा हमें रोकना होता है ना इसको, अभी हम 1.3 एक्सरसाइज में डिटेल, सॉरी 1.5 एक्सरसाइज में डिटेल में समझेंगे इसको कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं। जब हमारे बार बार नंबर आते हैं तो बेटा इसमें बार लगा के हम इसे रोक के लिख देते हैं, ठीक है, मुझे समझ में आ गया होगा। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब अशांत, इसको बोलते हैं हिंदी में अशांत, ठीक है। और रिपीटिंग का मतलब जो है लगातार बार बार आता रहता है, उसमें रिपीटिंग कहते हैं। यहां तक कोई डाउट बच्चों, सभी को मेरे ख्याल से ये चीज समझ में आ गई होगी, इसमें कोई शंका कोई दिक्कत है तो बताएं, ठीक है। चलो बच्चों अब हम एक काम करेंगे, ये चीज तो क्लियर है, ठीक है। अब एक काम करेंगे बच्चों, अब हम आगे जो है थर्ड जो है क्वेश्चन को डील करते हैं, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन को जब हम डील करते हैं तो बेटा देखो इसमें क्या आएगा, इसको हम लिखेंगे 4 सही 1/8, तो ये क्या हो जाएगा 33/8, क्या हो जाएगा हमारा 33/8 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, जब 33/8 आ गया, देखो बच्चों यहाँ पर हम इसे डिवाइड मारेंगे तो कितना आएगा, 8 4 32, फिर 8 इसे माइनस करेंगे तो 10 आएगा, फिर 8 1 8, फिर 20 आएगा 0 बढ़ा के, फिर 2 16, फिर 5। ये देखो क्लियरली यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया, क्लियरली यहाँ पर बेटा 700 दिख रहा है, यहाँ पर हमारा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, इसको हम सिंपल बोलेंगे कि ये इट इज अ टर्मिनेटिंग नंबर। ये हमारा क्या बच्चों, एक टर्मिनेटिंग नंबर है, यहाँ पर कोई डाउट, ये हमारा क्या बच्चों, एक टर्मिनेटिंग नंबर है, ठीक है बच्चों। चलो अब इसके बाद आगे चलते हैं बच्चों, यहाँ पर जब हम आगे चलेंगे तो क्या होगा बच्चों, देखो अब नेक्स्ट है हमारा 3/30। इसको बेटा मैंने डिवीजन, देखो मैंने पहले करके रख दिया जिससे कि बेटा वीडियो में टाइम वेस्ट ना हो। तो ये देखिए ध्यान से देखिए जरा, ये सिंपल डिवीजन है, आपकी समझ में आ गया हो ना, पहले अगर ये कैंसिल आउट नहीं होगा तो जीरो लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे,
थ्री टू जा 26, फिर उसके बाद 3, 3 जा, फिर उसके बाद ये यहाँ पर 100 आएगा ना जाने की जीरो, फिर वो 7 91, इस तरीके से हमारा ये पूरे डिवाइड हो गया। यहाँ पर ये हमने पूरे डिवीजन करके रख रखा है, ठीक है बच्चों, ये आगे 40 है, मैंने यहाँ पे लिख दिया इसको, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपका साफ साफ जब भी उसके बाद आप डिवाइड करोगे तो फिर ये नंबर रिपीट, देखो वन आ गया ना हमारा, तो ये फिर ये वही नंबर रिपीट हो जाएगा। तो हम क्या इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते, देखिए 0.230 76923, इस पर हम क्या लगा देंगे बार, और यही नंबर हमारा बार बार रिपीट करता रहेगा इस तरीके से, ठीक है। जब यही नंबर हमारा बार बार रिपीट करते रहेगा तो सॉरी ये यहाँ पर देखो कहाँ पर आ रहा है, 9 तक आ रहा है, सॉरी ये एक मिनट रुकिए, देखिए यहाँ पर 230769, फिर 230769 इस तरीके से आता रहेगा, तो ये 9 के बाद यहाँ पर रिपीट कर रहा है, तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे, तो ये हमारा कौन सा नंबर हो जाएगा बेटा, ये हमारा नंबर हो जाएगा डेसिमल नंबर हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, ये हमारा हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर्स, ठीक है। आपको क्लियर मेंशन हो रहा है कि ये टर्मिनेट भी नहीं कर रहा और रिपीट भी कर रहा है, ठीक है, एक वैल्यूज पे पर्टिकुलर वैल्यू पे क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आएगा बच्चों। चलो आगे क्वेश्चन पे फिर हम डील करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लें। देखो बच्चों अब जो नेक्स्ट है इसका फिफ्थ और सिक्स पार्ट बचा हुआ है, ठीक है, ये बहुत इजी है, आपका ध्यान समझेंगे। ये आपका 2/11 हो गया, 11 20, ये मैंने डिवाइड लिख दिया है यहाँ पर, जिससे कि बेटा आपको टाइम वेस्ट ज्यादा ना हो और आप आराम से समझ जाए। तो डिवीजन तो मेरे ख्याल से आप लोग कर सकते हैं बेटा, आप लोग 9th क्लास के बच्चे हैं, तो डिवीजन मेरे ख्याल से बहुत इजी वे में आप कर सकते हैं, तो वो आप लोग खुद करें। जैसे इसको डिवाइड मारना है, पहले सबसे पहले हम जीरो लगाएंगे, ठीक है, और जीरो पॉइंट लगा के जीरो बढ़ाएंगे, 1 जा, ठीक है, फिर ये 8 जा, फिर 1 जा, फिर 8 जा, इस तरीके से आ रहा है। तो देखो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है आपका, ये बेटा 0.18 करके रिपीट कर रहा है, तो मैं क्या इसको 0.18 पे बार नहीं लगा सकता, लगा सकता हूँ। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे बेटा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन एंड रिपीटिंग, साफ साफ हमें दिख रहा है रिपीटिंग हो रहा है बेटा, ठीक है, रिपीटिंग हो रहा है और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे भी सेम यही इस तरीके से होगा हमारा, ध्यान से देखें, ये हमारा 400 है, तो हमने सबसे पहले क्या करा, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, 4 8 32, ठीक है, आ गया 900, फिर उसके बाद 4 2 800, फिर 1000, फिर 4 2 800, ये डिवीजन आप कर सकते हैं इजीली। तो आपको साफ साफ दिख रहा बेटा यहाँ पे टर्मिनेट हो गया, ये हमारा क्या है, टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन है बच्चों, ठीक है। अब देखो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, ठीक है, इसी में बताया था, क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वहां पर भी आपको बेटा 1/7 की वैल्यू दे रखी है, आपको 1/7 का बेटा डेसिमल एक्सपेंशन दे रखा है आपको, बस उसने पूछा 2/7 निकालो, 3/7 निकालो, 4/7 निकालो, ठीक है, आपसे पूछा 2/7 4/7, ठीक है, 3/7, इस तरीके से पूछा हुआ है। तो आपको क्या करना है, जो डेसिमल एक्सपेंशन वैल्यू है आपको, बस आप एनसीईआरटी बुक में देखिएगा, तो डेसिमल एक्सपेंशन वैल्यू है, बस उस वैल्यू में क्या करना है, 2 की मल्टीप्लाई, 3 की मल्टीप्लाई, 4 की मल्टीप्लाई, और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो मैं उस क्वेश्चन को स्किप कर रहा हूं, आप प्लीज उसको देख लें। जब अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं बच्चों, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, चलो बेटा।